एक नंबर यार। तो हाँ, तो दोस्तों हमने अपने तैयारी की टिकट ले ली है। ये पड़ी है हमें 75 रुपीज़ की। बेसिकली इन शिप्स को ना फैदी कहा जाता है यहाँ पे। तो और ये जो थिरू वल्लुवार की जो स्टैचू है ये अभी क्लोज है, मतलब अभी क्लोज है। यहाँ पे कोई भी नहीं जाता, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे, इसलिए वो क्लोज है। ओनली विवेकानंद मेमोरियल ही स्टार्ट है। तो जा रहे हम अभी वहाँ पे, बाकी वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। ये रही हमारी शिप पीछे। इसमें जाने का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आओ अब चलते सीधा अंदर। अंदर से कुछ ऐसा है, वो शिप चल पड़ी है। ओ भाई शिप ये हिल रही, इतनी देख रहे हो। हाँ देखते हैं यहाँ पे, फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं, वो तो आगे पता चलेगा। और मैं मुझे हॉल के अंदर एंटर करने की, यहाँ पे जस्ट किसी टिकट काउंटर है, इसकी एंट्रेंस फीस है 30 रुपये, जो कि मोहर लगा के भी मिलेगा यहाँ पे आपको 30 रुपये एंट्री फीस है। और यहाँ से व्यू तो यार एक नंबर का आ रहा है। बाकी पीछे देख ही सकते हो आप कन्याकुमारी। अब चलते सीधा ऊपर आ जाओ। ये जस्ट मेरे पीछे जूते चप्पल आपको यहाँ पर जमा करवाने पड़ते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, मेरे पीछे भाई यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है, बहुत तगड़ा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू। कैमरा में तो नहीं देखेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे अपनी आंखों से श्रीलंका दिख रहा है काफ़ी हद तक, जस्ट वहाँ पे। हाँ ये है कुछ यहाँ का व्यू, देखो यार व्यू एंजॉय करो, इसीलिए तो आए हम। वहाँ पे पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर, पता नहीं अंदर फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं, चलते हैं पता चलेगा। और जस्ट पीछे जो मंदिर है इसके अंदर तो फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है, आओ चढ़ते हैं, बाकी तो अंदर जाके पता चलेगा अंदर फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं। लिखा हुआ है फोटोग्राफी नॉट अलाउड इनसाइड। अलाउड नहीं है ना? हाँ तो अंदर अलाउड नहीं है, बाहर आके दिखाता हूँ मैं आपको। एकदम कंप्लीट व्यू, एकदम मस्त व्यू आ रहा है। और अभी हम विवेकानंद मेमोरियल के जस्ट पीछे हैं। हाय यार ये जगह जन्नत से कम नहीं है जगह। ओ जस्ट मेरे बैक साइड में ही मेडिटेशन हॉल बना हुआ है, इसकी अंदर एक मैंने छोटी सी क्लिप आपको दिखा दूंगा अभी। ये स्वामी विवेकानंद शॉप 1970 को स्थापित किया गया था। और कहते हैं उस छोर से इस छोर तक स्वामी विवेकानंद जी मतलब तैर के आए थे। तो उनको अपने ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हुई थी इसी मंदिर में। और नीचे मेडिटेशन हॉल बना हुआ, यहाँ पे बहुत सारे बुक स्टॉल भी बने हुए हैं, आप बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। और टॉयलेट वगैरह की भी सारी सुविधा है, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं यहाँ पर।
ठीक है। और इधर बैक साइड में मेरे मंदिर है जहाँ पे माता के चरण पादुका भी रखे हुए हैं। और यहाँ तो पूरा ओशन ही ओशन है यार। और उसके कन्या कुमारी के बैक साइड में पूरे पहाड़ ही पहाड़ है, एकदम ओपी व्यू यार। और मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे, ये है थिलु वल्लुवर जी की स्टैचू। ये इंडिया में 25th नंबर पे सबसे टॉलेस्ट स्टैचू उसमें से एक है। और इसको बनाने में करीब 500 वर्कर लगे थे। 133 फीट या ऑलमोस्ट टॉल है, फीट इसकी हाइट है। और ये 2000 में स्टार्ट हुई थी। ये एक बहुत बड़े संत और लेखक भी थे जिनकी ये प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे। मेरे साइड में रेन वाटर रिजर्व बना हुआ है, इसमें रेन का वाटर रिजर्व किया जाता है, ऑब्वियसली बात है, इसका नाम ही रेन वाटर रिजर्व है, इसीलिए। इसमें पानी भी है और पानी के साथ साथ मछलियाँ भी हैं यार, मछलियाँ। मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर दर्शन करने, कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, तो दर्शन करके आते हैं फिर बाहर। श्रीलंका यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस मुझ जैसा इंसान हो ना, बस चले तो तैर के जाऊँ मैं तो साला। लेकिन नमक वाला पानी है यार, खाता खाता इसलिए नहीं जाता मैं। तो मैं बड़ी चीज़ है ये, यूं पार कर दूंगा, ज़्यादा हो गया ना। और दोस्तों ये है मेरे पीछे महात्मा गांधी मंडपम। गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित करने से पहले उनकी अस्थियों को यहीं पर रखा गया था। तो देख लीजिए ये है, अब चलते हैं अंदर, अंदर का भी आपको दिखाता हूँ। आ जाओ, यहाँ अंदर जाने की कोई भी एंट्री फीस वगैरह नहीं है, बस जूते के 5 रुपये लिए हैं। आओ अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको अंदर से। और ये है इसके अंदर का व्यू। महात्मा गांधी मंडपम के जस्ट साइड में ही, बैक साइड में तो पूरा ओशन है, और साइड में ही ये बड़ा सा शंख टाइप का बना हुआ है और कुछ ऐसी। और एक चीज़ अच्छी लगी, होनी भी चाहिए, भारत माता का स्टैचू बना पड़ा है यहाँ पे। यार वीडियो देख रहे हो ना, या तो कमेंट में जय हिंद लिख देना आप, एक नंबर यार। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पे ना सारी चीज़ें जैसे कि फेरी शिप का सनसेट व्यू पॉइंट, सनराइज व्यू पॉइंट, महात्मा गांधी मंडपम, कन्याकुमारी टेम्पल, वॉच टावर, ये सब चीज़ें मतलब 100-200 मीटर के दायरे में ही सब कुछ है। तो आपको ज़्यादा नहीं घूमना, सब कुछ आपको पास पास में मिलेगा, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे एक्वा भी है, एक्वा मरीन भी है, यहाँ पे बहुत कुछ है यार, पास पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं घूमना आपको, ठीक है। महात्मा गांधी मंडपम के जस्ट साइड में ही कामराजा मणि मंडपम है, पर मैं इसके अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मेरा मन नहीं आया जाने का, और वैसे भी टाइम बहुत कम है, मुझे और भी बहुत सी चीज़ें एक दिन में कवर अप करनी है, ठीक है। ये रहा वो मंडपम जस्ट मेरे पीछे, बट मैं अंदर नहीं जा रहा, मैं आगे जा रहा हूँ वॉच टावर की ओर। चलो अब वहीं चलते, वहीं दिखाता हूँ आपको। और मेरे राइट साइड में कुछ झूले टाइप और बीच कोर्ट्स बने हुए हैं जो कि यार देखने में बहुत अच्छे भी हैं। देखो यार बड़ा अच्छा है, ये एक टाइप का मॉल रोड टाइप है, जैसे कि शिमला मनाली में मॉल रोड होते हैं ना, वैसे ये भी उस टाइप का मॉल रोड है, लेकिन इसका नाम कुछ और है, नाम नहीं पता मुझे, लेकिन देखने में बढ़िया जगह है, यहाँ तो रात को मज़ा आएगा आने में। हाँ तो दोस्तों मेरे जस्ट पीछे दिख रहा होगा आपका वो गोल 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 ब्लू सा, वो है व्यू टावर। और मेरे जस्ट इस साइड बैक साइड में आपको वॉच टावर दिख रहा होगा, तो वॉच टावर तो मैं नहीं जा रहा, मैं जाता हूँ व्यू टावर। आओ आपको पास से दिखाता हूँ।